हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज जो हम पोस्ट लेकर आए हैं या कह सकते हैं वीडियो लेकर आए हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई किया है, चाहे फिर वो पीआरटी लेवल पर है, टीजीटी या पीजीटी। ठीक है, चूँकि केवीएस के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। इस पर भी हमने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है। अगर आपके लिए एडमिट कार्ड के लिए ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है या किसी तरीके से आप नहीं पा सकते, प्रिंट आउट नहीं है या स्क्रीनशॉट नहीं है उस चीज़ का, डाउनलोड नहीं है फॉर्म की जो अप्लाई किया था, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं जहाँ पर लिंक दिया है केवीएस ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए, और ये लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं प्रोसेस बता देती हूँ। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की साइट ये खुलेगी आपको और डायरेक्ट लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला, देन लास्ट नेम, अगर नहीं है तो छोड़ देना, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी और फिर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद रिट्राइव डिटेल्स करेंगे, और जैसे ही आप ये डिटेल्स कर देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ ये, दिस वन। ओके, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें अन अकेडमी पर स्टडी मटेरियल के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।